बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं आया, मैंने देखा अल्लाह के नबी ने घुटने टेके हुए, हाथ टेके हुए और कमर पर हसन हुसैन को बिठा के चक्कर लगा रहे थे कमर में और उनको कह रहे थे कैफ मतियत कुमा, तुम्हारा ऊंट कैसा है, तुम्हारा ऊंट कैसे। और फिर दोनों को उतारा, तीसरा कौन है, दोनों को उतारा और अपनी नवासी जैनब उनको कमर पे बिठाया और फिर पूरे कमरे में चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और इसमें ये इसमें कोई शक नहीं, आप हसन से ज्यादा प्यार करते थे और फरमाया करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। इसके पीछे वजह क्या थी, हसन सर से चेहरा मुबारक और कमर तक बिल्कुल अल्लाह के नबी की तस्वीर थे और कमर से पांव तक अपने बाप की तस्वीर थे। हुसैन इसका उलट, सर चेहरा मुबारक कमर तक अपने बाप अली की तस्वीर थे, कमर से पांव तक आप अपने नाना की तस्वीर थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, आपने हुसैन को यहाँ पाँव पे खड़ा किया हुआ था और उनके हाथ पकड़ उनको ऐसे ऐसे झूला दे रहे थे, ऐसे झूला कह रहे थे इसादिल मुर्तका, चल बच्चे पहाड़ पे चढ़ जा, पहाड़ पे चढ़ जा। और वह ऐसे ऐसे झूलता झूलता ऊपर आया, ऊपर आया घुटनों तक। अब मैं कहा और आगे, वो यहाँ आया, यहाँ आया, जब यहाँ पहुँचा अब मैंने कहा और आगे, तो आप ऐसे हो गए, फिर और ऐसे हो गए, फिर और ऐसे हो गए, वो चढ़ते 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 यहाँ के खड़े हो गए। आपने दोनों हाथ पकड़ के यूं बोसा लेकर कहा ए अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर। आपको पता था इनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए 6-7 साल की उम्र में इतनी मोहब्बत दी, सारी जिंदगी का हिसाब चुका दिया। दोनों बच्चे धूप में खेल रहे थे, आपने देखा तो आपने हज़रत अली को जरा तेज लहजे में फरमाया अली धूप चढ़ गई है, मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है। उन्हें खबर थी करबला में क्या गर्मी पड़ने वाली है और मेरा नवासा कैसे प्यासा शहीद होने वाला है और हसन कैसे जहर में तड़प तड़प के जान। अली इनको जल्दी से कह रहे थे उनको गर्मी लग गई, दोनों के रोने की आवाज़ आई तो जल्दी से आ गए, कहा फातिमा तुझे पता नहीं है इनका रोना मुझे दुखी कर देता, तुझे खबर नहीं है इन बुका अहुदीनी, इनका रोना मुझे तकलीफ पहुंचाता है, मत रोने दिया कर। एक सफर में थे, बेटी भी साथ थी, दोनों बच्चे, तो आपको रोने की आवाज आई पालकी में से, तो आप जल्दी से पीछे आ गए, क्या मेरे बच्चे क्यों रो रहे, कह या रसूल अल्लाह इनको भूख लगी है, दूध कोई नहीं है, कुछ खाएं तो दूध है, फाके हैं। आपने कहा ना विलनी अल हसन, मुझे हसन को पकड़ा, तो उन्होंने पकड़ाया तो आपने अपनी जबान मुबारक खोली और उनके मुंह में डाल दी, उन्हें चूसना शुरू किया और अंदर से अल्लाह ने क्या निकाला, वो चूसते गए चूसते गए चूसते गए यहाँ तक के हंसने लगे, आपने वापस कर दिया, कहा ना विलनी अल हुसैन, ना विलनी अल हुसैन, मुझे हुसैन पकड़ा, तो आपने हुसैन को पकड़ा और अपनी जबान मुबारक उनके मुंह में डाली और वो चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे यहाँ तक के वो हंसने लगे, फिर आपने उनको वापस फरमाया। दोनों बच्चे आपके पेट पर आपस में घुल मिल रहे होते थे, लोट पोट हो रहे होते, लड़ रहे होते थे, गले मिल रहे होते थे, आप उनको पेट पर लिटा के उनको देख के खुश हो रहे होते थे, उनके साथ हंसी मजाक फरमा रहे होते थे। नमाज के सजदे में दोनों भाई ऊपर बैठ गए, दोनों भाई ऊपर बैठ गए, लोगों ने पकड़ना चाहा तो आपने हाथ का इशारा करके रोक दिया, नमाज में इशारा करके रोक दिया, सलाम फेर के दोनों को गोद में बिठाया, अबी हुमा व अम्मी, मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान, इन्हें कुछ ना कहा कर, दुऊ हुमा, आपको पता था इनके साथ बहुत कुछ होने वाला है, दुऊ हुमा, मेरे बच्चों को कुछ ना कहो कहो करो, बे अबी हुमा व अम्मी, मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान, इन्हें कुछ ना कहा करो। नमाज के सजदे में, नमाज फर्ज, नमाज नफल नहीं, फर्ज बा जमात नमाज, और कमर पे चढ़े हुए हैं और आप सजदा लंबा कर रहे हैं, और कभी ऐसा होता था इधर हसन है इधर हुसैन है, ठीक, नमाज में आप खड़े हुए हैं,
तो आपकी नमाज तो लंबी होती थी तो आपके टांगों में से वो आना जाना शुरू कर दे, इधर वो उधर, ये इधर वो उधर, ये उनका खेल जारी रहता था जब तक आप सजदे में नहीं जाते थे। एक इधर तो वो उधर, वो इधर तो वो उधर, मुस्तकिल ये नमाज में खेल जारी रहता था और मेरे नबी उनको रोकते नहीं थे। अरब में ऐब था बच्चों को प्यार करना, अरब में ऐब था बच्चों को प्यार करना, उठाना उससे बड़ा ऐब था कि कोई अरब सरदार बच्चा उठा के ठर रहा हो, ये ऐब था। उस मुआशरे में मेरे नबी ने हसन हुसैन को यहाँ नहीं उठाया, यहाँ नहीं उठाया, बल्कि यहाँ कंधों पे बिठा कर बाहर निकला, यहाँ बिठाया हुआ था, यहाँ बिठा के बाहर निकले। हर्ष उमर कहने लगे वाह 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 क्या ज़बरदस्त सवारी है, मेरे नबी ने फरमाया वाह 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 क्या ज़बरदस्त सवार है। आपने कहा अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बुहुम फअहिब्बहुमा व अहब मन अहब्बहुमा, जो इनसे प्यार करे या अल्लाह उनसे प्यार करना, मैं इनसे प्यार करता हूँ तू इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार कर। और मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बहुमा फ़कद अहब्बनी, जिसने हसन हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। मन अहब्बनी फ़कद अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे प्यार किया उसने अल्लाह से प्यार किया। और मन अहब्बल्लाह अदखलहुल जन्ना, और जिसने अल्लाह से प्यार किया अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मन अबगज़हुमा फ़कद अबगज़नी, जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। मन अबगज़नी फ़कद अबगज़ल्लाह, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। और मन अबगज़ल्लाह अदखलहुन नार, जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा अल्लाह उसे उठा के जहन्नम में डाल देगा। ये वो शहजादे थे जिनके खेलने में जिब्रील भी शरीक होता था। हाँ, हसन हुसैन की कुश्ती करवा रहे हैं, कुश्ती करवा रहे हैं, और हुसैन को थापड़ा मार रहे हैं ज्यादा, हुसैन शाबाश, हुसैन शाबाश, ए है या हुसैन, ए है या हुसैन, वाह वाह हुसैन, भाई जोर लगा, शायद वो दब रहे होंगे। तो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी या रसूल अल्लाह, आप सारी शाबाश हुसैन को देते जा रहे हैं, हसन को क्यों नहीं दे रहे? तो आपने फरमाया ये जिब्रील मेरे पास खड़ा हुआ हुसैन को शाबाश दे रहा है, मैं भी इसी को शाबाश दे रहा हूँ। इनके खेलने में जिब्रील भी आकर शरीक। हाय 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 हाय, क्या दास्तान हरम है। जिन बच्चों को मेरे नबी ने ऐसे लाड़ लड़ाए कि उनके रोने पर बेकरार होकर उठ जाते थे, उनको धूप में देखा तो बेकरार होकर फरमाया घर भेजो। अरब का दस्तूर बताया था, बच्चे को चूमना भी ऐब, उठाना भी ऐब। एक ये रिवायत सुना, एक और सुना, गली में से गुजरे बच्चे खेल रहे थे और हुसैन खेल रहे थे, तो आपने उनके साथ बीच गली में खेलना शुरू कर दिया, पकड़ो हुसैन को, पकड़ो भाई, पकड़ो भाई। वजालस सब यलब हा होना वह होना, जैसे हम छोटे बच्चे को ऐसे पकड़ते हैं, हाँ भाई नपो भाई नपो भाई, वो आगे दौड़ता है, वो समझता है मैं बड़ा ही बड़ा ही खटकार, मेरा प्यो भी मैंने नहीं अब सकता प्या, तो हम पीछे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और फिर उसको उठा के प्यार करते हैं। मेरे नबी यही कुछ कर रहे थे, चलो भाई पकड़ो भाई पकड़ो भाई, वो कभी इधर हो जाते कभी इधर हो जाते, अब इधर से होते अब इधर से होते, फिर आपने ऐसे उठाया और उठाकर आपके होंठों का बोसा लेकर कहा अल्लाह मैं इससे प्यार करता, तू भी इससे प्यार कर। इतनी आली नस्ल, इतनी पाकीज़ा नस्ल, और पूरी ज़बह हो जाए करबला की मट्टी में। अगर मेरे अल्लाह चाहता तो, अगर मेरे नबी चाहते तो अल्लाह से मांग लेते, या अल्लाह आराम नाली मर जावन मदीने। सबसे ज्यादा तो अपनी औलाद के लिए होता है आदमी बेकरार, और उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा आज एक फरिश्ता आ रहा है मिलने के लिए, तो किसी को अंदर नहीं आने देना। उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी होगी, इतने में हुसैन आ गए खेलते हुए, वो अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोक दिया, रोका तो वो रोने लगे तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद अंदर से मेरे आपके नबी के बिलकने की आवाज़ आई, धड़ धड़ रोने की आवाज़ आई, तो उम्मे सलमा परेशान हो गई, भाग के अंदर गई। तो आपने अजब तमाशा देखा, आपने यूं
पूरे जोर से सीने से लगाया हुआ था हुसैन को, और ऐसे ऐसे रो रहे थे, ऐसे ऐसे पूरा वजूद ऐसे हिल रहा था। अभी मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? कि ये फरिश्ता जो मिलने आया था मुझे बता रहा है कि मेरे इस बेटे को मेरी उम्मत ज़बह कर दी, मुझे वो वट्टी दिखाई गई है जहाँ उसका खून गिराया जाएगा।